वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है चमत्कारी टोटके चैनल में, जिसमें हम आपको ऐसे चमत्कारों के बारे में बताते हैं जो ना केवल आपको सुख शांति प्रदान करते हैं बल्कि आपको मालामाल भी कर देते हैं। तो हमारे चैनल को देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। वास्तु और रोग, यदि आपके घर में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है तो इसका कारण वास्तु शास्त्र के अनुरूप घर की बनावट ना होना हो सकता है। यदि आप निरोग और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो अपने घर का निर्माण वास्तु शास्त्र के अनुरूप करवाएं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र की ही भांति वास्तु शास्त्र में भी घर के वास्तु से जुड़े हुए कुछ दोषों के बारे में बताया गया है, जिससे व्यक्ति की तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन वास्तु शास्त्र में दोषों के साथ इनके निवारण हेतु वास्तु टिप्स भी दिए गए हैं, जिनका ध्यान रखकर आप निरोगपूर्ण जीवन व्यतीत कर सकते हैं। रोग उत्पन्न होने के कारण। पूर्व दिशा यानी ईस्ट। यदि आपके घर की पूर्व दिशा का स्थान अन्य दिशाओं से ऊंचा है तो इस दिशा का स्थान ऊंचा होने से आर्थिक परेशानियां उत्पन्न होती हैं। बच्चे अधिक समय अस्वस्थ रहते हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, उनकी स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है और उन्हें पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। यदि आपके घर की पूर्व दिशा में खाली तथा खुला स्थान नहीं है और आपके घर के बरामदे का ढलान पश्चिम दिशा की ओर है तो इससे आपके घर के मुखिया को आँख से संबंधित रोग, स्नायु या हृदय रोग होने की संभावना रहती है। अगर आपके घर के पूर्व कोण की ओर गंदगी, कूड़ा करकट एवं पत्थरों का ढेर पड़ा हुआ है तो आपके घर की मुख्य महिला को गर्भ हानि हो सकती है। अगर आपके घर की पूर्व दिशा की दीवार की ऊंचाई पश्चिम दिशा की ऊंचाई से अधिक हो तो आपके संतान की सेहत अधिकतर समय खराब रहती है। यदि आपने घर की इस दिशा में शौचालय बना रखा है तो इससे आपके घर की बेटियां अस्वस्थ रहती हैं। उपाय। इस दिशा के दोषों को दोष मुक्त करने के लिए इस दिशा में आप नल, हैंडपंप तथा पानी की टंकी की व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस दिशा को हमेशा साफ रखें और इस दिशा के भू क्षेत्र को थोड़ा नीचा करवा दें तो ये सभी दोष खत्म हो जाएंगे और आपको इस दिशा के शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। पश्चिम दिशा यानी वेस्ट। पश्चिम दिशा का प्रतिनिधि ग्रह शनि है। इस दिशा को काल पुरुष का पेट, गुप्तांग तथा प्रजनन अंग माना जाता है। घर की पश्चिम दिशा के नीचे यदि खाली स्थान है तो इस दिशा का प्रभाव ग्रह स्वामी की सेहत पर पड़ता है। घर की पश्चिम दिशा के नीचे यदि खाली स्थान है तो इस दिशा का प्रभाव गृह स्वामी की सेहत पर पड़ता है। उसे गले, गॉल ब्लैडर के रोग हो सकते हैं तथा इसी दिशा के कारण उसकी कम आयु में मृत्यु होने की भी संभावना बनती है। यदि आपने घर में चबूतरा बना रखा है और वह चबूतरा पश्चिम दिशा की ओर से नीचे है तो आपको फेफड़े, मुंह, छाती तथा त्वचा से जुड़े रोग हो सकते हैं। पश्चिम दिशा का स्थान हमेशा ऊंचा होना चाहिए। यदि इस दिशा का स्थान नीचे की ओर है तो इससे घर के बच्चों को गंभीर बीमारियां हो जाती हैं और इस बीमारी पर धन का व्यय भी अधिक होता है। यदि आपके घर में जल निकासी की व्यवस्था पश्चिम दिशा की ओर से है तो आपके घर के मुखिया गंभीर बीमारी से लंबे समय तक पीड़ित रहते हैं। अगर आपके घर की पश्चिम दिशा की दीवारों में सीलन या दरार आ गई है, इसका प्रभाव भी गृह मुखिया पर पड़ता है और उसे गुप्तांग से जुड़ी हुई बीमारियां हो जाती हैं। यदि आपने अपने घर में रसोई घर का निर्माण पश्चिम दिशा में करवाया है तो इससे आपके घर के किसी भी सदस्य को गर्मी, पित्त, फोड़े, फुंसी तथा मस्सों से जुड़ी हुई परेशानियां हो सकती हैं। उपाय। इस दिशा के बुरे प्रभावों से बचने के लिए इस दिशा की दीवार को थोड़ा ऊंचा करवा दें या घर के बाहर इसी दिशा में अशोक के पेड़ लगाएं। उत्तर दिशा। उत्तर दिशा का कारक ग्रह बुध है। इस दिशा को काल पुरुष का हृदय माना जाता है। यदि इस दिशा में बनी हुई दीवारें अधिक ऊंची हैं और इस स्थान में चबूतरा बना हुआ है तो आपके घर के लोगों को गुर्दे, कान, रक्त की बीमारियां हो सकती हैं।
इसके साथ ही आपको घर में आलस, थकावट तथा घुटन महसूस होती है। अगर आपके घर की ये दिशा सही वास्तु से नहीं बनी है तो इससे आपके घर की स्त्रियों की तबीयत खराब रहती है। उपाय: उत्तर दिशा के हानिकारक वास्तु दोष के प्रभावों से बचने के लिए बरामदे की ओर अपने घर के चबूतरे की ढाल रखें। इससे आपके घर की महिलाएं स्वस्थ और निरोग रहती हैं। इसके साथ ही आपको धन के अधिक व्यय का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके घर पर से अकाल मृत्यु होने का खतरा भी टल जाएगा। इस दिशा को वास्तु दोष से मुक्त रखने के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार का रंग हरा करवा सकते हैं। दक्षिण दिशा यानी साउथ। दक्षिण दिशा पर मंगल ग्रह का ही अधिक प्रभाव रहता है क्योंकि इस दिशा का प्रमुख ग्रह मंगल है। ये स्थान काल पुरुष का बाईं ओर के सीने, फेफड़े, गुर्दे का माना जाता है। इस दिशा में यदि कूड़ा, टूटा फूटा हुआ सामान, कोई पुरानी चीज रखी हुई है तो घर की महिला को हृदय रोग, घुटने का दर्द, खून की कमी, पीलिया तथा नेत्रों से जुड़ी हुई बीमारियां हो सकती हैं। अगर भवन की दक्षिण दिशा का स्थान नीचा है, उत्तर दिशा की तुलना में ये स्थान अधिक खुला और खाली है तो इससे आपके घर के वृद्ध व्यक्तियों की सेहत खराब हो सकती है तथा उन्हें उच्च रक्तचाप, पाचन क्रिया की खराबी, खून की कमी, चंक मृत्यु या दुर्घटना का शिकार होने आदि की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में भूत प्रेत निवास करते हैं, इसलिए इस दिशा का कुछ स्थान थोड़ा खाली जरूर छोड़ना चाहिए, वरना इन बुरी शक्तियों का प्रभाव भी घर पर तथा सदस्यों पर पड़ सकता है। अगर आपके घर का मुख्य दक्षिण दिशा की ओर है लेकिन आपने अपने घर का मुख्य द्वार नैऋत्य कोण की ओर बनवा रखा है तो इससे आपके घर में विभिन्न प्रकार की समस्याएं खड़ी होती हैं, जिनसे आपके घर के सदस्य बीमार रहते हैं और आपको धन से जुड़ी हुई हानि का सामना करना पड़ता है। उपाय: इस दिशा के कुरूप प्रभावों को दूर करने के लिए आप घर की दक्षिण दिशा की दीवार को ऊंचा कर सकते हैं और अपने घर के प्रवेश द्वार के अंदर और बाहर दक्षिणावर्ती सूंड वाले गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कर सकते हैं। दोनों ही उपाय से घर पर से इस दिशा के बुरे प्रभाव समाप्त हो जाएंगे।